बहुत शुभ दिन था नीचे करो नीतीश जी नीचे हम लोग के गठबंधन में एनडीए गठबंधन में सकुशल आ गए। 15 महीना से बिहार की जनता और सभी लोग घोटन महसूस करते थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी, कोई किसी को सुनने वाला नहीं था, अफसरशाही था। लेकिन देर सही दुरुस्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः अपने पुराने घर को लौट आए, ये काफ़ी खुशी हुई हम लोगों को। इसी जो नई सरकार बनी है इसी के तहत हम लोग, हमारे साथ में सांसद प्रिंस राज जी हैं, हमारे साथ में सांसद चंदन सिंह जी हैं नवादा, हमारे साथ में विधान पार्षद भूषण राय जी हैं। हम चारों आदमी गए थे उनको बधाई देने के लिए, और कल जो शपथ ग्रहण हुआ है इसके लिए मैं हम लोग चारों अपनी पार्टी की ओर से जाकर उनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई दी। नीतीश कुमार लगातार इधर उधर करते रहते हैं, अब भरोसा है कि एक बार फिर से अब नहीं कहीं जाएंगे? कारण कुछ नहीं है, अब कहीं नहीं जाएंगे। जब तक रहेंगे राजनीति में तब तक एनडीए के गठबंधन में रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज कहा है कि जिस तरह रूस में हुआ कि पुतिन हमेशा के लिए चुने गए, ये आखिरी मौका है, अगर इस बार आपने नहीं फैसला लिया लोगों ने तो अब इसके बाद वोट देने की। अरे भाई खड़गे साहब अपने परेशान हैं, वो अपनी गद्दी के लिए सोच रहे हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है विरोध करना। कांग्रेस अभी विरोधी दल में है और जो उनका लीडर है वो अपने लीडर को तो झांक कर देखे हैं कि कभी वो ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं, कभी बैलगाड़ी पर चढ़ते हैं, कभी कुल्ली का काम करते हैं। और आज के तारीख में आप जान लीजिए कि देश की जो राजनीति है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज विश्व स्तर के लीडर हैं। वो पूरा विश्व उनको मानता है। अमेरिका जैसा कंट्री आज से 3 माह पहले जब विदेश में गए थे, अमेरिका जो सबसे विश्व का सबसे सबल कंट्री है, ताकतवर कंट्री है, वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मोदी जी आप इतने ताकतवर हो, हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूँ। तो आज के तारीख में अपने देश की स्थिति पूरे जो विश्व का जो राजनीति है उसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। आपने देखा होगा G20 की अध्यक्षता अपने देश को मिला प्रधानमंत्री जी किए। तो अब 3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और एनडीए गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में 400 से अधिक सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। अब मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। इस देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं तीसरी बार 2/3 बहुमत से अधिक मत से जीत के वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो ये बात तो आप चिराग पासवान से पूछोगे ना, जिसने कहा उससे पूछो। हाजीपुर को लेकर मन बदले हैं। देखो सुनो सुन लीजिए एक कहावत है कि मेरे अग्ने में तुम्हारा क्या काम है। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर हमारा रहेगा। हम हाजीपुर के सांसद हैं, हाजीपुर से हम जीत के गए। स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब ने हमको उत्तराधिकारी चुन के गए, आज वो नहीं जीवित नहीं है। मैं पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ और पासवान जी के द्वारा जो हाजीपुर में जो अधूरा काम बचा हुआ है मैं उनके सपनों को साकार करूँगा।